राधे नाम का जाप कराने जा रही हूँ। सब लोग इस विधि को सीख लीजिए कि राधे नाम का जाप किस प्रकार से किया जाता है। श्वासों से श्री महाराज जी ने समस्त साधकों को ये विशेष रूप से आदेश दिया है कि खाली समय में बिना माला के श्वासों से राधे नाम का जाप किया करो। स्वयं श्री महाराज जी पूर्ण तत्व होते हुए भी हम साधारण जीवों को शिक्षा प्रदान करने हेतु स्वयं भी प्रतिदिन राधे नाम का जाप करते थे। मैंने श्री महाराज जी को अपनी आंखों से देखा है। रात्रि 1:45 में श्री महाराज जी पुली करते थे और जब पुली में व्यायाम करते थे तो राधे ऐसे जाप करते थे। आप लोगों ने भी देखा है श्री महाराज जी को, जब महाराज जी वॉक करते थे तो वॉकिंग के समय श्री महाराज जी राधे नाम आवाहन करते थे, राधे करके बुलाते थे। सबको पता है ना। तो श्री महाराज जी ने स्वयं करके भी दिखाया और उनके इस आदेश का पालन प्रत्येक साधक को करना चाहिए। तो देखिए, राधे नाम का जो जाप किया जाता है उसकी पद्धति ये है कि जब हम श्वास लेते हैं तो हमें रा का उच्चारण मन ही मन करना है। जब आप श्वास लेंगे वो श्वास नाभि कमल से उठे और कंठ तक आए, और जब वो श्वास उठे उसके साथ साथ रा अक्षर को जोड़ दीजिए और मन ही मन रा कहते जाइए। और जब आप श्वास का विसर्जन करेंगे तब आपको धे बोलना है मन ही मन। ये श्वासों से नाम लेने की प्रक्रिया है। मात्र प्रक्रिया ही नहीं करनी आपको, इस प्रक्रिया के साथ ध्यान भी करना है। तो जिनका आप नाम ले रहे हैं श्वास के साथ रा को मिश्रित किया और ये रा तत्व है क्या, इसका ध्यान करना है। ये धे तत्व है क्या, इसका ध्यान करना है। ये दोनों के जुड़ने पर राधे तत्व है क्या, इसका ध्यान करते हुए इसका जाप करना है। केवल जाप करने से कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन जाप में यदि आपके मन का चिंतन मिश्रित हो जाए, ध्यान मुख्य है, प्राथमिकता मन से स्मरण को दीजिए, साथ में अक्षर ले लीजिए सहायक के रूप में। केवल अक्षरों का जाप करने से फलदायी नहीं है। तो किस प्रकार से आपको वो ध्यान करना है नाम के साथ साथ, अब वो मैं आपको कराने जा रही हूँ। उसको आप लोग करेंगे, जैसा जैसा मैं बोलती जाऊंगी आप लोग वैसा वैसा मेरे आदेशों का पालन करते हुए करते जाएंगे। मन पर बुद्धि पर कोई जोर नहीं लगाएंगे, केवल मैं जो बोलती जाऊंगी उसको आपको करते जाना है। तो कृपया अब सब लोग सावधान होकर बैठे, सब लोग एक आसन में आ जाइए, सुखासन में बैठिए, पद्मासन में नहीं वरना फिर पैर में दर्द होगा। आराम से जो सुविधाजनक स्थिति में आप बैठे हैं वैसे बैठिए और कमर सीधी कीजिए।
देखो कितने मोटे हो गए हो आप लोग सब, ऐसे ऐसे करते हो क्योंकि गरिष्ठ भोजन का सेवन करते हो, खूब खाते हो, व्यायाम कसरत करते नहीं, सो जाते हो आलसी जैसे, इसीलिए इतने यंग अवस्था में भी हाथ पांव नहीं आपके हिलते, तो वृद्धावस्था में क्या हाल होगा। स्वस्थ बनिए, शरीर को भी स्वस्थ रखिए, मन को भी स्वस्थ रखिए। शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तो शरीर स्वस्थ होगा, दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन है, याद रखना। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी जब आपका मन उदास होता है या कोई दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है तो मन भी आपका टूटा हुआ रहता है, तो उस समय शरीर में भी अस्वस्थता का अनुभव होता है, शरीर भी ढीला, इधर दर्द उधर दर्द। तो कमर सीधी, गर्दन सीधी, कंधे ढीले नीचे की ओर झुके हुए, बड़े आराम से बैठिए। मन से एक बार अपने संपूर्ण देह को देखिए, नेत्र बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी, नेत्र बंद, और मन के नेत्रों से अपने संपूर्ण शरीर को देखिए, आपका सिर, आपकी गर्दन, कंधे, दोनों हथेलियां, पेट, सीधा पैर, उल्टा पैर, पूरा शरीर, पूरा शरीर, सामने का पूरा भाग, पीछे का सिर, पीछे से गर्दन, आपका मेरुदंड, नितंब, एड़ी, पूरे शरीर को एक बार देखिए। इस शरीर को स्थूल शरीर कहा जाता है। जाप स्थूल शरीर से नहीं करना है, मन से जाप करना है। इंद्रियां केवल सहायक हैं। इसी स्थूल देह के भीतर एक अलौकिक तत्व है, जीवन तत्व, उसे प्राण कहते हैं। ये प्राणवायु आपके पूरे शरीर में भ्रमण कर रही है, अपने मन को अपने नाभि कमल में केंद्रित कीजिए। वो प्राणवायु नाभि कमल से उठ रही है, कंठ तक आ रही है। आप श्वास ले रहे हैं, आप श्वास छोड़ रहे हैं, आप श्वास ले रहे हैं, आप श्वास छोड़ रहे हैं। श्वासों के आवागमन की स्थिति को मन की आंखों से अनुभव कीजिए। श्वासों के आवागमन को देखिए, श्वास लेने में किसी प्रकार का जोर ना लगाएं, श्वासों को स्वाभाविक ही रहने दें। अपने श्वासों को देखने का प्रयास कीजिए। नाभि से कंठ की ओर
कंठ से नाभि की ओर। अब इन्हीं श्वासों में रा और धे, इन दो अक्षरों को मिश्रित करना है। मैं आपके लिए रा और धे का उच्चारण करूंगी, आप श्वासों के साथ उस स्वर को मिश्रित करते हुए मन ही मन उच्चारण करेंगे। रा धे रा धे श्वासों के साथ रा उच्चारित कीजिए मन ही मन, और छोड़ते समय धे। ऐसा देखिए कि आपके श्वासों के साथ वो अलौकिक रा अक्षर चमकता हुआ जा रहा है। रा का अर्थ है ऐसा तत्व जो संपूर्ण सृष्टि का सृजन करता है, पोषण करता है, वो है रा। और धे का अर्थ है जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करे, संपूर्ण सृष्टि को धारण एवं पोषण करने वाला है, ये राधा नाम, ये महाशक्ति का नाम है, ये वो प्रेम शक्ति है, वो ह्लादिनी शक्ति है जिससे संपूर्ण सृष्टि चल रही है, पोषित हो रही है, धारित हो रही है। ऐसे राधे नाम का आप श्वासों से जाप कर रहे हैं। ये ऐसा अलौकिक नाम है जिसके नाम लेने पर, जाप करने पर हमारे विचार भी शुद्ध होते हैं। हम जिस श्वास का विसर्जन करेंगे उससे आसपास का वातावरण भी शुद्ध होगा। ऐसे परम शुद्ध नाम का जाप कीजिए। राधे राधे। शुचि शीतल मंद
सुगंध समीर मिली ना मिली, कलिकाल कोठार लिए फिरता, तन नम्र सुचोट झिली ना झिली, भजले श्री राधे हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। हमारी राधे जो, 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 हमारी सुवत जागत श्री राधा, राधिका नाम सबे सुख साधा, लेता हूँ देता हूँ श्री राधा, तो बल भी तरे जग बाधा, होय आनंद अगाधा तबे दिन रैन कहो मुख राधा श्री राधा।